हम लोग क्लास सिक्स का हिंदी पढ़ेंगे। ये कविता है तुम कल्पना करो। तुम कल्पना करो कविता जो है ना, गोपाल सिंह नेपाली का लिखा हुआ है। इसमें पहले सबसे पहले गोपाल सिंह नेपाली के बारे में कुछ जानेंगे। गोपाल सिंह नेपाली का मूल नाम जो है ना गोपाल बहादुर सिंह था, और इनका जन्म 11 अगस्त 1911 को हुआ था, बेतिया में, चंपारण जिला में हुआ था, बेतिया के चंपारण जिला में। और 17 अगस्त 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी लिखी हुई कवि कई सारी कृतियां हैं, जैसे उमंग, पंछी, रागिनी, पंचमी, नीलिमा इत्यादि है। और इन्होंने लगभग 400 फिल्म में धार्मिक गीत भी लिखा है। अब हम लोग इस कविता के में कुछ कठिन शब्दों को चुनकर मैंने लिखा है, उसका अर्थ जानेंगे ताकि कविता को पढ़ने में आसानी हो। दास्ता मीन्स गुलामी, निज अपना, अश्रुधार आंसुओं की धार, कल्पना नई बात सोचना, मेखला पर्वत श्रृंखला रूपी करधनी, मेखला कहते हैं पर्वत के मध्य भाग को भी, श्रृंग चोटी, योजना विचार, घिसना नष्ट होना बर्बाद होना, कामना इच्छा, किशोर बालक, याचना मांगना, दरिद्र गरीब। अब हम लोग कविता पर ध्यान देंगे। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, ये गोपाल सिंह नेपाली कह रहे हैं कि तुम नया कल्पना करो, नया सोचो, कुछ नया विचार करो, नया कुछ सोचो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब समाज की सारी नीतियां जो है ना नष्ट हो गई है, बर्बाद हो गई है। अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, अब मनुष्य की जो है ना बीते हुए समय में जो रीतियां बनी हुई थी वो भी नष्ट हो चुकी है। दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां, जो कुरीतियां अभी नए जमाने में जो कुरीतियां बनी हुई है वो तुम्हें चुनौती दे रही है। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, अपने देश के शरीर के साथ देश के की साजो श्रृंगार के लिए, सजावट के लिए तुम कुछ नया सोचो। इसमें गोपाल सिंह नेपाली ने कहा है अपने देशभक्ति के लिए। इनका जन्म, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म जो है ना स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हुआ था, यानी जब देश गुलाम था। उन्होंने अपनी देश की गुलामी को देखा है, इसलिए देश की आजादी के लिए उन्होंने कहा है कि तुम कुछ नया सोचो, अपने मन मस्तिष्क में नई सोच लाओ। समाज की सारी जो पुरानी नीतियां हैं, रीतियां बनी थी, वह सब नष्ट हो चुकी हैं। ये रीतियां कुरीतियों में बदल चुकी है और हमें चुनौती दे रही है। अपने देश को अच्छा सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए कुछ सोचो, नया सोचो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, जो है ना गुलामी की जंजीर जो है ना कभी अश्रुधार आंसू बहाने से नहीं टूटते हैं। दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, दुख दर्द जो है ना दुलार करने से, प्यार करने से नहीं भागते हैं। हटती न दासता पुकार से, गुहार से, दास गुलामी की जो दास्ता है, गुलामी जो है ना दास किसी के पुकार से या गुहार से नहीं हटती है। इस गंग तीर बैठ आज रास शक्ति की, तुम काम ना करो किशोर काम ना करो, तुम काम ना करो। गंगा के किनारे बैठकर तुम अपने राष्ट्र शक्ति के लिए एक नया अपने युवाओं को एक साथ एकत्र करके, इसको एकत्र करके जो है ना तुम अपने देश के लिए, देश की आजादी के लिए कामना करो। कहते हैं कि गुलामी की जंजीर आंसुओं बहाने से नहीं टूटती, दुख दर्द जो है ना पुकार से या गुहार से हटने टूटने वाली नहीं है। तुम गंगा के किनारे बैठकर और अपने राष्ट्र के युवाओं को एकत्र करके, इकट्ठा करके
अपने देश के प्रेम के लिए, अपनी देश की आजादी के लिए कामना करो, इच्छा करो, अपने देश को स्वतंत्र बनाओ। जो तुम गए स्वदेश की जवानी आ गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी आ गई, आजाद देश रक्त की रवानी आ गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो। कह रहे हैं कि जो तुम गए, जो तुम चले गए बिना आजादी पाए हुए, तो ये चित्तौड़ के प्रताप, चित्तौड़ के महाराणा प्रताप ने अकबर से जब युद्ध हुआ तो वो उन्होंने अकबर की गुलामी मंजूर नहीं की, बल्कि अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए उन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन अकबर की गुलामी मंजूर नहीं की थी। इसलिए उन्होंने कहा है, यदि तुम बिना कुछ किए इस दुनिया से चले गए तो इस देश की जवानियां भी चली जाएगी, और चित्तौड़ के प्रताप की जो किया हुआ कुर्बानी है वह भी ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए तुम अपने देश के लिए सूर्य और चंद्रमा से समृद्धि रिद्धि सिद्धि के लिए, अपने देश की सुख संपन्नता के लिए मांगो, प्रार्थना करो। आगे है, आकाश है स्वतंत्र, है स्वतंत्र मेखला, यह सिंह भी स्वतंत्र ही खरा बना ढला, है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद सोक्त जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। कह रहे हैं कि आकाश जो है ना स्वतंत्र है, पर्वत की श्रृंखला, मेखला कहते हैं पर्वत के बीचले भाग को यानी कमर को, या इसलिए कहा गया है कि आकाश स्वतंत्र है और पर्वत की श्रृंखला भी स्वतंत्र है। यह श्रृंग कहते हैं चोटी को, यह श्रृंग भी स्वतंत्र, यह चोटी भी स्वतंत्र ही खड़ा है, किसी के बंधन में नहीं है। और जल प्रपात जो है ना, झरना जो है ना, वह भी स्वतंत्र है, जो पर्वतों को काट देता है, किसी की परतंत्रता में नहीं है, यानी किसी की गुलामी में नहीं है। और यह जन्म और मृत्यु भी पृथ्वी का परम सत्य है, इसलिए तुम जन्म और मृत्यु की चिंता नहीं करो और एक नई योजना बनाओ, एक नया इतिहास रचो। यही गोपाल सिंह नेपाली ने हमें सीख दिया है कि अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के साजो श्रृंगार के लिए तुम किसी भी प्रकार से कोशिश करके अपने देश की आजादी को प्राप्त करो। कोशिश करने पर सब कुछ मिल सकता है, इसलिए तुम कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता प्राप्त होती है, और स्वाभिमान ही तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारा अपना बना अस्तित्व बनेगा। अब देखिए प्रश्न अभ्यास कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। तो पाठ के आधार पर हम अच्छे समाज की, अच्छे देश की, अपने स्वाभिमान की रक्षा की, अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा की कल्पना करेंगे। राष्ट्र दूसरा है, राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है। राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में देश प्रेम का चित्र आता है, देश के साजो श्रृंगार का चित्र आता है। तीसरा है, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें सुख के लोभ में स्वाभिमान और त्याग नहीं करना चाहिए, हमें अपने सुख के लिए स्वाभिमान का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए घास की रोटी खाई थी, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने स्वाभिमान के बचाव के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और अन्य सभी सुखों का त्याग करना चाहिए।
थोड़े से सुख के लिए गुलामी नहीं मंजूर करनी चाहिए। चौथा है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। इस कविता के माध्यम से हमें पुराने सरे गले परंपराओं का त्याग करने के लिए, पुराने रीति रिवाजों को का त्याग करने, नए परंपरा को कायम करने के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए कोशिश करने के लिए बताया गया है। अब है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, आगे लिखेंगे इसमें खाली स्थान में भरेंगे, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, इसके आगे भी लिखेंगे, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो किशोर कामना करो। इस प्रश्न अभ्यास को पूरा बना लेंगे।